नाउ विल स्टार्ट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उस पर मींस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इसमें करने जा रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, इंटरेस्ट जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट। इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। ओके, तो इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। कहता है कंसीडर द फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्या कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट थ्री इयर्स इज 6%। कहता है फर्स्ट थ्री इयर्स के लिए, फर्स्ट थ्री इयर्स के लिए रेट कितना है, फर्स्ट थ्री इयर्स रेट क्या है, 6%। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, फॉर द नेक्स्ट फोर इयर्स 7%। नेक्स्ट फोर इयर्स रेट क्या है, 7%। ओके, पर एनम। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 years इज 7.5% पर एनम, 7.5% पर एनम। ओके, इफ अ मैन लेंट आउट 12,000 रुपीज फॉर 11 years, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाई हिम। तो 11 years के लिए कहता है फर्स्ट थ्री के लिए 6%, नेक्स्ट फोर के लिए 7%, और कहता बियॉन्ड 7 years मीन्स 4, 3, 7 साल हो गए, बियॉन्ड 7 years 7.5 का इंटरेस्ट है। लेकिन टोटल ईयर कितने हैं, 11 years हैं, 11 years हैं, तो इसका मतलब कितने साल के लिए, 3.5 के लिए, सॉरी 11 years हैं, 7 साल हो गए, तो इसका मतलब नेक्स्ट कितने, नेक्स्ट 4 years के लिए 7.5% का इंटरेस्ट है। ये पूरे ईयर गिन लीजिए, 4, 3, 7, 4, 11, 11 year के लिए टोटल ये हुए। तो हम वैसे तो हम इसको ऐसे भी दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें इफिशियंट वे में करना है, ऐसा करना है कि टाइम कम लगे। तो देखो आप कैसे अप्रोच करनी है, मैं कहा 3 years के लिए 6% है, तो मैं ऐसे बोल दूं 18% पर एनम, ऐसे भी तो बोल सकता हूं, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि ईयर चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा लिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लिया जाएगा। ओके, जैसे कह रहा है कि फर्स्ट 3 years के लिए 6% है, इसका मतलब कि पहले साल में भी 6% है प्रिंसिपल अमाउंट का, दूसरे साल में भी 6% है प्रिंसिपल अमाउंट का, और तीसरे साल में भी जो है इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट पर। ओके, तो मैंने क्या कह दिया इसको, अगर मैं ये पूरा एक साल में कहना चाहूं इसको तो क्या कह दूंगा, 6 3 18, अगर 18% एक ईयर में ले लूं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, 18% ऐसे ले लूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां से 28% तो कोई इश्यू नहीं है, और यहां से 30 ऐसे इतना परसेंट ले लूं तो भी कोई इश्यू नहीं है। मतलब मैंने क्या किया, इंटरेस्ट को सिंप्लीफाइड कंडीशन में ले आया हूं। ओके, अब अच्छा, ये सब क्या है, ये सब पर एनम है, ये सब पर एनम है। तो अब अगर मैं पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि एक काम करता हूं, सबको जोड़ लेता हूं, तो ये क्या बनता है, 76% पर एनम। एक साल में 76% ले लूं तो जिस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से तोड़ तोड़ के जिस तरह से क्वेश्चन है कि 3 year में 6%, 4 year में 7%, 4 year तक 7%, एंड रिमेनिंग ईयर्स में 7.5%, तो अगर 76% ले लूं एक साल में,
तो एक साल में पूरा क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 12,000 इंटू टाइम कितना है? आपने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया है एक साल में। ओके, आपने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया है एक साल में। और रेट क्या है? रेट है 76 का, रेट है 76 का अपॉन 100। लेकिन अभी देखो, मैं इसको अभी भी और भी शॉर्ट फॉर्म में लाने वाला हूं। क्या ये 76 के साथ डील करने में थोड़ी दिक्कत होगी अगर इसको लिख लूं 75+1? तो कैसे कर लिखूंगा इसको? 12,000 और ये 1 के रहने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहूंगा? 75/100 प्लस 12,000 इंटू ये 1/100। इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अब मेरे लिए क्वेश्चन ये 76 के साथ डील करने में थोड़ा मींस कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो अब देखो मैं कैसे कैसे करता हूं। ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहां से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब यहां से इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो नाइन थाउजेंड ये हो गया और 120 ये हो गया। ओके, 9,000 ये हो गया और इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं ये कितना है टोटल। ये है टोटल 9,120। तो कहता है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 9,120 के अमाउंट के बराबर है। ओके, 9,120 एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर 1200 लिख रखा है लेकिन यहाँ पर हमने 12,000 ले लिया है। तो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में इसी में चेंज कर देता हूँ क्या प्रिंसिपल अमाउंट को, इसको मैं 12,000 कर देता हूँ। तो इस तरीके से 9,120 इज द फाइनल आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप चाहें इस क्वेश्चन को तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कैसे वो भी बता देता हूँ। बट इन दैट केस इट विल टेक मोर टाइम टू कैलकुलेट द आंसर। ओके, कैसे कर सकता हूँ इसको? मैंने कहा कि जैसे कह रहा है कि फर्स्ट थ्री ईयर्स के लिए 6% है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 12,000 इंटू टाइम कितना? 3 ईयर्स, और रेट कितना है उसका? 6%। तो 6/100 प्लस नेक्स्ट 4 ईयर के लिए लिखूं, और उसके बाद क्या करूं जो रिमेनिंग नेक्स्ट 4 ईयर बचेंगे उनके लिए सबके लिखूं और फिर सबको इसको ऐड करूं। ओके, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो आई थिंक द फर्स्ट अप्रोच इज बेटर देन दिस वन। ओके, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लो। नाउ कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 25% पर एनम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द रेट पर एनम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी यहां पर उल्टा पड़ गया मैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 25%। मतलब मैंने कहा कि इंटरेस्ट, मैंने कहा लेट प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है लेट एक्स। ओके, लेट द प्रिंसिपल इज एक्स। तो कहता है इंटरेस्ट कितना है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 25% ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाला है क्या? 25% ऑफ प्रिंसिपल एक्स इंटू 25% मीन्स ये मीन्स 4, तो ये कितना हो गया? x/4। और सवाल आगे पढ़ते हैं। एंड द रेट पर एनम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो मैंने कहा कि लेट रेट पर एनम इक्वल टू क्या, इसको क्या बोल देता हूं मैं, r बोल देता हूं। और कहता यही किसके इक्वल है? नंबर ऑफ ईयर्स के लिए।
नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, ये भी नहीं क्वेश्चन में बता रखा है कि कितने ईयर्स, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गिवेन है कि आर परसेंट परसेंट पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है और कितने ईयर्स के लिए है, जितना ये आर है उतने ही ईयर्स के लिए इंटरेस्ट दिया गया है। ओके, तो कहता है फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको, देखो फॉर्मूला क्या है, सिंपल इट्स इंटरेस्ट, इस प्रिंसिपल को पी बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, इसको टी। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पी आर टी अपॉन 100। ओके, अब देखते हैं यहां से क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे गिवेन है x by 4, सिंपल इंटरेस्ट मुझे x by 4 गिवेन है, प्रिंसिपल क्या है x है, रेट क्या है r है, टाइम क्या है r है, अपॉन 100। ओके, यहां से ये x कैंसल आउट हो जाता है और x कैंसल आउट हो जाता है और जो है क्या कहते हैं हमको क्या मिलता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 मिलता है। यहां से आर इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 5। लेकिन ये माइनस हम इग्नोर कर देंगे, क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो क्योंकि रेट अब नेगेटिव में रेट क्या होगा, माइनस 5% पर एनम इसका कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव को कंसीडर करोगे तो 5% पर एनम, 5% पर एनम का रेट होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड दैट्स डन।